जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 26 निर्वाचन क्षेत्रों के पात्र मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आज के मतदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला समेत 239 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा की गई है। राजौरी SSP रणदीप कुमार ने कहा, हम सुबह से देख रहे हैं कि लोग मतदान करने के लिए निकले हैं। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, हमने सभी इंतजाम किए हैं। जहां भी हमें लगता है कि सुरक्षा की जरूरत है, वहां सुरक्षा तैनात की गई है। हमने सीमावर्ती इलाकों में भी पर्याप्त इंतजाम किए हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। CAPF और सेना भी वहां तैनात है। सब की तरह लोग निकले हैं, आप जैसे हम सुबह से देख रहे हैं लोग पोलिंग के लिए निकले हुए हैं। और सिक्योरिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, हमने पूरे बंदोबस्त किए हुए हैं। जहाँ जहाँ हमें लगता था कि कितनी सिक्योरिटी चाहिए, उस हिसाब से वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करें और अपना जो वोटिंग का राइट है उसको एक्सरसाइज करें। नौजवान, बुजुर्ग और लेडीज़, फीमेल्स, सभी बढ़ चढ़ के आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें। सिक्योरिटी की तरफ से कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी।